हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ SPX 810 के बारे में। ये पूरा टॉप के जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दो टॉप चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर और सात टॉप चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा रहने वाला है। वीडियो का एंड तक बने रहेगा। और अभी बात करते हैं इसका टॉप के पूरा जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये टॉप 700 वाट का है और इसका प्रोग्राम पावर 1400 वाट है और इसका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स 40 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है और इसका पूरा टॉप का नॉर्मल इंफिडेंस 4 ओम होता है और इसका वेट अप्रॉक्स 62 kg के आसपास है। और बात करते हैं अभी इस पर कौन सा स्पीकर लगा हुआ है। इस पर 2 स्पीकर और 1 HF लगा हुआ है और ये 2A टॉप है और इस पर 2 स्पीकर 350 वाट का 15 इंची में 2 स्पीकर लगा हुआ है और 80 वाट का 1 HF लगा हुआ है। और आप लोगों को ये 2 टॉप चलाने के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होगा और 4 टॉप चलाने के बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होगा आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये 2 टॉप चलाने के लिए सबसे अच्छा एम्पलीफायर है BTZ 10000। ये 2 चैनल का एम्पलीफायर होता है और इसका एक चैनल पे 500 वाट और दूसरा चैनल पे 500 वाट और इसका मैक्सिमम 750 वाट है और ये 40 kg का अप्रोक्स इसका वेट है। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। और नेक्स्ट एम्पलीफायर रहेगा आहूजा UBA 1300। ये 1300 वाट का एम्पलीफायर है और मैक्सिमम इसका 1650 वाट है और इसका वेट अप्रोक्स 50 kg का आसपास है। ये भी अच्छा एम्पलीफायर। और चार टॉप चलाने के लिए एम्पलीफायर 2 जोन में होगा आहूजा LX 3200। और बात करते हैं ये कितना वाट निकाल के देता है। ये 8 ओम पे 700 वाट और 4 ओम पे 1100 वाट और 2 ओम पे 1600 वाट निकाल के देता है। और हमारा ये एक चैनल पे 2 टॉप और दूसरा चैनल पे 2 टॉप आराम से चल जाएगा। 2 टॉप मिला के हमारा पैनल कनेक्शन 1400 वाट हो जाता है और ये आउटपुट निकाल के देता है 1600 वाट। एक चैनल पे 2 टॉप और दूसरा चैनल पे 2 टॉप आप लोगों को आराम से चला सकते। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट पे पूछ सकते हैं ये टॉप और ये एम्पलीफायर के बारे में। मैं आप लोगों को प्राइस बता दूंगा।